नमस्कार, मैं कुमारी शिखा। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चा गोद लेने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है। बहुत सारे पेरेंट्स का कमेंट आया था कि मैम प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए कि कौन कौन सा कागजात लगता है, क्या क्या करना होगा, कैसे बनवाना होगा। तो हम सोचे कि इससे रिलेटेड मैंने अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर वीडियोज़, तो एक बार आप वो भी जा कर के देखें। उसमें भी मैंने डिटेल्स में बताया कि कैसे क्या बनवाना है। और मैं इस वीडियोस के माध्यम से भी चाह रही हूँ कि अब मैं आप लोगों को लिख के बताऊँगी ताकि आप लोग अच्छा से समझ पाएँ। आप अच्छे से समझ पाएंगे तभी तो आप कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर बजाएँ और लाइक करना ना भूलें। एक और ज़रूरी बात जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे चैनल पर कोई ऐसा कमेंट आता है जो बच्चा गोद देने की बात आपसे कर रहा हो, बदले में आपका कॉन्टैक्ट नंबर या पैसे की डिमांड कर रहा हो, तो वैसे लोगों से मेरा किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। वो लोग बच्चा गोद देने के नाम से बहुत सारे पेरेंट्स के साथ फ्रॉड कर चुके हैं, तो वो लोग फ्रॉड होते हैं, इसीलिए उन लोगों की बातों में ना आए। इस तरह का कमेंट अगर आता भी है तो उनको उसी तरीके का जवाब आप लोग दीजिए। हम चाहते हैं कि वैसे फ्रॉड लोग जो हैं वो हर जगह ना घूमें और हर चैनल को गंदा ना करें। बहुत सारे पेरेंट्स का उन्होंने पैसा ले लिया है। ख़ास तौर पे मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे इस बात का पता चला। और ऐसे लोग, पता नहीं उन लोगों के पास और कोई काम होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पता नहीं मेरे वीडियो डालते ही वो लोग हमारे कमेंट पर आके गंदा करना शुरू कर देते कि हमारे पास बच्चा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बच्चा ले लीजिए, मेरा हस्बैंड नहीं देखने वाला है, मैं अपना बच्चा देना चाहती हूँ। मतलब ऐसा सिचुएशन बनाते हैं वो लोग कि आप लोग को दया आ जाएगा और आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे उससे। और जब कांटेक्ट करेंगे तो डिमांड करेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आप इतना पैसा भेजिए तब हम बच्चा देंगे, बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना है, बच्चे का डिलीवरी अभी नहीं हुआ उसके लिए पैसा दे दीजिए तो बच्चा होगा तो आपको दे देंगे, वगैरह वगैरह जो भी हो ऐसा करके। आप लोग देखे भी होंगे बहुत सारे कमेंट में हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने वीडियो में मैं आपको बता दूँ ताकि फिर ऐसा ना हो। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चा गोद लेने में कौन कौन सा कागज़ लगता है। तो सबसे पहला जो है वो है करेंट फैमिली फ़ोटोग्राफ्स। करेंट फैमिली फ़ोटोग्राफ्स का मतलब हुआ तत्काल खींचा गया फ़ोटो। हस्बैंड और वाइफ या जो भी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, अगर उनके पास पहले से बच्चा है, अगर बेटी है उनके पास तो वो उनके साथ फ़ोटो खिंचाएंगे, अगर बेटा है उनके साथ तो वो उनके साथ फ़ोटो खिंचाएंगे, यानी कि पूरी फैमिली की फ़ोटो। अब फैमिली का मतलब ये नहीं है कि दादा दादी नाना नानी, इन लोगों का फ़ोटो नहीं, आप खुद रहें हस्बैंड वाइफ, अगर आपके कोई बच्चे हों तो उनका, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर ले कि अगर आपके पास बच्चा भी है पहले से तो आप उनका भी अपने फ़ोटो में, फैमिली ग्राफ के फ़ोटो में डाल सकते हैं। तो ये क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा है पैन कार्ड। पैन कार्ड जो है, सबसे पहले तो आपको पैन कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैन कार्ड के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जब तक आप पैन कार्ड नहीं बनवाएंगे तब तक आप कारा के वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहली बात है कि आप अपना, अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो आप जाकर के अपना पैन कार्ड बनवा लें, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ये पैन कार्ड ज़रूरी नहीं है वाइफ दोनों का हो, ये अगर हस्बैंड के पास भी है तो भी चलेगा, अगर वाइफ के पास है तो भी चलेगा, अगर दोनों के पास है तब तो वो बहुत अच्छा है। तो अगर आपके पास है और आपकी वाइफ के पास नहीं है तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, किसी एक पैन कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन होता है, ये भी क्लियर है। तीसरा हम आते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि मेरा जन्म तो बहुत पहले हुआ, उस समय तो बर्थ सर्टिफिकेट का कोई ये नहीं था, अब हम बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से दें। तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 3-4 ऑप्शन हैं। वैसे आपको केयरिंग्स पे ये चीज़ नहीं मिलेगा, ये मैं बता देती हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो है वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, अगर आप पढ़े लिखे हैं मैट्रिक पास हैं तो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट लग जाएगा, या इंटर या ग्रेजुएशन जिसमें आपका बर्थ डेट मेंशन हो। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, उनका जो है वो वोटर आई डी में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल सकते हैं। अगर उनका वोटर आई डी नहीं है
या उनके पास वोटर आईडी या आधार कार्ड तो रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए होता है, वो बर्थ के लिए नहीं होता है। बर्थ के लिए आपका वोटर आईडी चलेगा। अगर वोटर आईडी नहीं है आपके पास तो आपको ब्लॉक से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। जब आपके पास ये दो ऑप्शन नहीं है तब आपको जा कर के ब्लॉक से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। आराम से बन जाता है ब्लॉक से। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते हैं। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो अब बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी क्लियर है। अब हो गया इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट मतलब कि आय का जो होता है हमारे पास सोर्स वो क्या है, उसका सर्टिफिकेट का प्रूफ आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट देखती है कि आपके पास इनकम कितना है, क्या आप बच्चे को पालने पोसने में सक्षम हैं, क्या आप बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। बहुत सारे कमेंट में बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं वो बोली थी, जब बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो इनकम क्यों देखा जाता है, एक माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा लाइफ ही देगा लेकिन आप लोग इनकम क्यों मांगते हैं। तो उनके लिए मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर इनकम सर्टिफिकेट अगर नहीं मांगा जाएगा तो कोई भी पेरेंट्स बच्चा गोद लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा देगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो गरीब हैं, जो खुद का पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे को क्या अच्छा फ्यूचर देंगे। आप चाहते हैं कि एक गरीब जो अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहा हो, कहीं भीख मांग के या कहीं पे स्टेशन पे गुजारा कर रहा हो, रोड पे गुजारा कर रहा हो, ऐसा बच्चा अडॉप्ट करके क्या करेगा, उस बच्चे का क्या फ्यूचर होगा, आप बताइए मुझे। वैसे लोग खुद का ही पेट पाल ले वही बहुत है, वैसे बच्चे को क्या ज़रूरत है गोद लेने की। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर आप आपका कंडीशन ख़राब है और आपकी घर की स्थिति बहुत ख़राब है तो आप बच्चे को अडॉप्ट ना करें। ऐसा नहीं कि जिसके पास बच्चा नहीं है उसको ज़िंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है। जिसके पास बच्चा नहीं होता है ना, वो एक तरह से पिछला जन्म का उसका कोई कर्ज नहीं होता, ऐसा माना जाता है। तो आप इस चीज़ के लिए लकी माने। ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं है तो आप अपने आप को कोस रहे हैं या समाज आपको कोस रहा है, ऐसा नहीं। बिल्कुल ये चीज़ अपने दिमाग में मत लाएं। बच्चा ना है तो इसका मतलब कोई ना कोई रीज़न होता है। भगवान कुछ ना कुछ सोच के किसी को भेजते हैं इस धरती पे। अब हम आते हैं इनकम सर्टिफिकेट पे। इनकम सर्टिफिकेट में आपका लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट तो क्लियर है, इनकम सर्टिफिकेट में लगेगा सैलरी स्लिप, जो भी आपका जहाँ पे भी आप प्राइवेट जॉब करते हैं वहाँ का सैलरी स्लिप लग जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट इशूज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो आपका लगेगा, जो भी आपका जितना का इनकम होगा वो उसमें दर्शाना पड़ेगा। और इस इनकम सर्टिफिकेट में एक चीज़ आप ध्यान रखिए हमेशा कि आप अपना इनकम कम मत बनवाएं। बाकी सारी चीज़ों में बहुत लोग अपना इनकम कम बनवा देते हैं ताकि गवर्नमेंट की नज़र में ना आए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि अडॉप्शन में इनकम ज़्यादातर देखा जाता है कि आप उस बच्चे का पालन पोषण अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं, फ्यूचर अच्छे से दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा वैसे कंडीशन से बाहर निकलता है। इसीलिए गवर्नमेंट जो रूल्स और रेगुलेशन और कानून बनाई है वो कुछ सोच समझ के बनाई है। इसीलिए आप ये कमेंट ना करें कि पैसा मतलब इनकम क्यों देखा जाता है। इनकम बहुत ज़रूरी है बच्चा गोद लेने में, इसीलिए इनकम देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका इनकम हो गया। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो उसका रिटर्न जो होगा वो लग जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट में जो है वो सैलरी स्लिप आ जाएगा। सैलरी स्लिप जो भी प्राइवेट जॉब में हैं वो अपने बॉस से या किसी से भी, जो भी उनके ऊपर के लोग होते हैं उनसे आप अपना सैलरी स्लिप बनवा लेंगे। जिनका बिजनेस है खेती बाड़ी और जो भी अपना बिजनेस प्राइवेट बिजनेस कुछ कर रहे हैं तो वो जो है वो इनकम सर्टिफिकेट बनवा ले ब्लॉक से। वो भी ऑनलाइन होता है, अब कुछ भी ऑफलाइन नहीं होता, वह ब्लॉक दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ऑनलाइन बनवा सकते हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब आते हैं हम सर्टिफिकेट में, बोलते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं पेरेंट्स का मेडिकल सर्टिफिकेट के रिलेटेड। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में कुछ करना नहीं है, बस आपको फिजिकली और मेंटली टेस्ट करवाना है। जो भी डॉक्टर है उनको बताना है कि हम बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं और बच्चा अडॉप्ट करने के लिए मुझे मेंटली और फिजिकली फ़िट होना है, इसका आप प्रूफ कर दीजिए। तो वो कुछ नॉर्मल सा जांच लिखेंगे, जो भी जांच होता है नॉर्मल सा जांच लिखेंगे और वो अपने लेटर पैड पे सर्टिफाइड कर देंगे कि आप मेंटली और फिजिकली फ़िट हैं,
हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए होता है ये मेडिकल। आप मेडिकल में, मेडिकल इसलिए होता है कि मेडिकल में ये देखा जाता है कि कोई हस्बैंड वाइफ को कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं है जिससे बच्चे को ख़तरा हो सके, ठीक है। तो ये इसलिए बनाया जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में हम आते हैं, इसमें बात करते हैं कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में आपका आ गया आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट, करेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल, इतना चीज़ जो है वो रेसिडेंस प्रूफ के लिए है। इसमें से कोई ना कोई तो आपके पास ज़रूर ही होगा, तो आपको इसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट बहुत लोगों का, मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई, कैसे मैं मैरिज सर्टिफिकेट बना करके दूंगी? तो जाहिर सी बात है कि वो ठीक ही बोलते हैं, लेकिन अब जो है कि गवर्नमेंट का है नियम, तो वो तो मानना ही पड़ेगा आपको। तो आप जो है वो कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दे सकते हैं, या ऑनलाइन भी शायद होता है, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो आप कोर्ट में जा कर के अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लें, और अगर मैरिज सर्टिफिकेट आप कोर्ट में नहीं जा कर के बनवाना चाहते हैं, तो जो गांव में रहते हैं, जो गांव के लोग रहते हैं, उनका बहू प्रमाण पत्र करके एक फॉर्म आता है जो ब्लॉक में मिलता है, तो शायद वहाँ से वो कर सकते हैं, वो भी वैलिड होता है। उसके बारे में भी मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, जब जानकारी आएगी मैं बता दूंगी। उसका फॉर्म वगैरह मंगवा के मैं दिखवा भी दूंगी कि कैसा होता है ये फॉर्म बहु प्रमाण पत्र। बहुत सारे पेरेंट्स का देखा था, इसीलिए मैं बता रही हूँ, और मैंने इसके बारे में जानकारी भी ली थी। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों के गांव में ये बनता है, और इसे मुखिया और सरपंच वेरीफाई करते हैं, और मेरे पास वो पहले से था, इसीलिए मैंने मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट से नहीं बनवाया, क्योंकि वो वैलिड है। और मैंने ये देखा भी, जांच भी किया था, तो पता चला कि वो वैलिड है। तो आप लोग अगर कोर्ट से नहीं बनवाना चाहते, तो आप अपने पंचायत या ब्लॉक से बनवा सकते हैं। इसमें मैरिज सर्टिफिकेट होता है, बहुत लोग कहते हैं कि मेरा तो डिवोर्स, मैं मैरिज सर्टिफिकेट कैसे दूं? तो आप डिवोर्स की डिग्री, जो कोर्ट से डिग्री हो चुकी है डिवोर्स की, वो वाला डिग्री आप लगवा दें, या जिनके हस्बैंड का डेथ हो चुका है या जिनकी वाइफ का डेथ हो चुका है, वो तो ना डिवोर्स का लगा सकते हैं, ना मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अपने हस्बैंड या अपने वाइफ, जो भी, भगवान ना करे कैसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर बाई चांस अगर हो गया हो, वो डेथ का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो ये चीज़ वैलिड है, डिवोर्स डिग्री, डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट अगर नहीं है या वो बना नहीं सकते हैं, तो अब आते हैं टू रेफरेंस लेटर। ये क्या है? टू रेफरेंस लेटर जो है वो सपोर्ट एडॉप्शन में बनवाना है। ये आपका जब HSR होगा, होम वेरिफिकेशन जब होगा, उस समय आपसे सोशल वर्कर ये टू रेफरेंस लेटर विथ ID प्रूफ मांगेंगे। वो दो लोग ऐसे होंगे जो गवाह के तौर पे ये करेंगे कि हाँ, एडॉप्शन करने के लिए सक्षम हैं, ठीक है। और वो आपके मतलब आसपास के जो भी पड़ोसी हो सकते हैं, रिलेटिव हो, बस अपना परिवार नहीं होना चाहिए, रिलेटिव और वो नेवर जो भी हैं वो हो सकते हैं, वो लिख के दे सकते हैं। उसमें ये लिखा जाएगा उस सर्टिफिकेट में कि आप जो हैं, जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं, उन पेरेंट्स को आप जानते हैं, उनका एड्रेस ये है, उनका नाम ये है, और वो बच्चे को लेने में सक्षम हैं, वो बच्चे का अच्छी तरीके से पालन पोषण करेंगे। वो आपको टू रेफरेंस लेटर विथ ID प्रूफ में चाहिए, और जो उनका ID कार्ड होगा वो उसमें अटैच करवा देंगे। तो मुझे लगता है कि अब ये सारा चीज़ जो है वो हो गया है। कितना है वो मैं देखती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, ये इतना सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको रेडी करना है रजिस्ट्रेशन से पहले, या फिर आप रजिस्ट्रेशन के बाद भी कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको एक महीने का टाइम होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम ये पैन कार्ड लगता है, ये बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है आपके पास। तो आपके पास अगर आपने ये 5 को कराया है, तो अगले मंथ 4 तक आपके पास रहेगा, एक मंथ का, 1 मंथ का जो है वो टाइम रहेगा आपके पास, एक मंथ का जो है वो टाइम रहेगा आपके पास ये बाकी डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए। तो आप एक महीना के अपना जो है करेंट फोटोग्राफ, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, मैरिज रेफरेंस, ये सारा अगर आप रेडी कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं, आप चाहते कि सारा डॉक्यूमेंट्स बनवा करके हम रजिस्ट्रेशन करवाएं और लगे हाथ उसको अपलोड भी कर दें, तो आप वो भी कर सकते हैं।
तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कन्फ्यूज़न होगी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर लिखें, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। अगर कमेंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और आंसर उससे भी ज़्यादा बड़ा है तो हम उससे रिलेटेड एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको आसानी होगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर बजाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे।